आ रही है कहाँ पे आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, कोई बात मत करे। हरे कृष्णा बोल। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदादौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण। कोई बोल नहीं रहे जोर से बोलो हरिबोल। जो पानी पिलाने वाले प्रभु जी अब अभी पानी मत पिलाओ। जब कीर्तन होगी बीच में पानी पिलाना, अभी नहीं। जब कीर्तन होगी बीच में पानी पिलाओ। बोले सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हम लोग आज से लेकर के 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनने का हमें भगवान ने मौका प्रदान किया। इसलिए हमारे बड़े गुरुजी कहा करते थे, ध्यान दे कृष्णा, हमारे बड़े गुरुजी कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर तुम्हारी पास में पैसा की बल हो जो काम को तुम कर सकते हो। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं, अगर तुमको कोई जन बल हो, लोग तुम्हें मदद कर रहे हैं, जो काम को हम कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे कुछ जगत में काम है, अगर तुम्हारे पास में धन बल भी नहीं और तुम्हारे पास में जन बल भी नहीं, अगर मन की बल होना, बोले भैया जो कुछ होगा देखा जाएगा करने दो, अगर मन बल हो जो काम को तुम कर सकते हो। लेकिन जगत में सबसे बड़ा जो बल है ये आत्मा बल है। कौन सा बल है? आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है, अगर हमारे पास में आत्मा बल हो जो काम को कर सकते हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा आप जो श्रवण करने जा रहे हो, ये जो भागवत कथा की आयोजन की गई, गुरु जी कहते थे कोई पैसा के बल पर नहीं कर सकता है, कोई जन बल पर कर नहीं सकता है, कोई मन के बल पर कर नहीं सकता है, कोई ये आत्मा बल पर कोई नहीं कर सकता है। जब तक कि ठाकुर जी की, बांके बिहारी जी की, गुरु जी की कृपा बल नहीं हो, तब ये भागवत कथा कोई कर नहीं सकते, कथा कोई सो नहीं सकते। अब लोग कोई ताली नहीं बजाएगी लोग। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ध्यान देकर सुना, भले एक जन्म नहीं, जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा कोई रख सकते हैं, कथा कोई सुन सकते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम, भले करोड़ों करोड़ जन्म का पुण्य उदय होने पर ये कथा को कोई सुन सकते हैं, नहीं तो कथा कोई सुन नहीं सकते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भागवत कथा आज हम लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, यदि ये कथा स्वर्ग में जन्म लेने पर भी हम चाहते हैं ना, सबके सब स्वर्ग जाए, सब चाहते ना स्वर्ग चलो, स्वर्ग चले, कहते भैया जो सौभाग्य आज हमें मिला है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी देवताओं का सौभाग्य में भी भागवत कथा नहीं सुनने को मिलता है। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाने जा रहे थे, स्वर्ग से देवता लोग आए, आप लोग कितने दूर से आए हो, कोई 1 किलोमीटर से होगा, कोई 2 किलोमीटर से, कोई 3 किलोमीटर, कोई 5 किलो, कोई 10 किलोमीटर, नहीं तो कोई 100 किलोमीटर, उससे तो ज़्यादा दूर से कोई नहीं आए ना। लेकिन जब भागवत कथा होती है, स्वर्ग से करोड़ मील दूर से ये देवता लोग भी स्वर्ग छोड़ करके ये मर्त्य जगत में कथा सुनने आते हैं। इसलिए सुनने तो आते हैं, लेकिन गोस्वामी चेहरे आने पर भी जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, इतने में स्वर्ग से सारे देवता लोग आ गए। हम घर घर में जिन देवता को पूजा करते हैं ना, वो भी स्वर्ग से कथा सुनने के लिए आए, बोले खाली हाथ में नहीं आए, स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के, बोलो बोले हे सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हो, बोले इनको ऋषि सिंह ने अभिशाप दिया है 7 दिन में तुमको सर्प दर्शन करेगा, बोले कोई चिंता मत करो स्वर्ग से अमृत लाए, लो ये अमृत पिला दो, परीक्षित महाराज अमर बन जाएंगे, लेकिन ये कथा को हमें सुना दो, ये कथा को हम लोग को सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको भगा दिया वहाँ से, बोले कथा नहीं सुन सकते हो, बड़े मतलब ही तुम लोग बड़ी स्वार्थी है, केवल अपना मतलब हासिल करना जानते हो। तब वो उदाहरण दे करके कहते हैं, भले को का चुको मणि महान, उदाहरण दिया है कोई एक कांच की टुकड़ा लाए, आपको बोले ये कांच की टुकड़ा तुम ले लो और तुम्हारे पास में जो मणि है ना वो मणि को हमें दे दो, आप बताओ आप दोगे कि नहीं दोगे, अरे बोला दोगे कि नहीं, नहीं देंगे ना, बड़े बंजू से तुम लोग, हाँ इसलिए नहीं दोगे। तब यहाँ उदाहरण दिया है, कहती जो भागवत कथा किया है, भले ये भागवत कथा मणि और जो स्वर्ग का जो अमृत है वो एक कांच के टुकड़े हैं, वो कांच की टुकड़े हैं,
कहां एक कांच के टुकड़े और तुम मणि को साथ में बराबर करना जा रहे हो। तथा देवाल जमा ससा, वहां से हमको भगा दिया, वहां से भाग जाओ, पता नहीं सुन सकते हो। मतलब है जो देवताओं को भी अमृत का विनिमय में जो कथा सुनने को नहीं मिली, आज वो कथा हमें सुनने को मिल रहा है। मतलब क्या है, हम देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा, देवताओं से ज्यादा पुण्यात्मा हम लोग हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वर्ग की बात ही छोड़ो, स्वर्ग में तो है ही नहीं, लेकिन उसको ऊपर में ब्रह्मलोक है, जहां पर पितामह ब्रह्मा रहते हैं। तो भैया ये ब्रह्मलोक में भी कथा नहीं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भले कथा है तो बेदे, सब पीछे की ताली बजाते हुए बोल, कथा है तो बेदे भवना बियाई, कथा है तो बेदे भवना भी, माइक वाले, कथा है तो बेदे कहीं ये भागवत कथा हो, कहते ब्रह्मा भी ये ब्रह्मलोक छोड़ करके कथा सुनने के लिए आते हैं। कहाँ छोड़ करके, अब जोर से बोलो, ब्रह्मलोक को, पता है ब्रह्मलोक कहाँ कहते हैं, देखो सुन लो, बोले भूत भूव मोह जन तप और सत्य लोक, जहाँ पर ये ब्रह्मांड की सबसे ऊंचाई लोग, जहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, वहाँ भी भागवत कथा नहीं। अगर कहीं कथा होना, ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक छोड़कर कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं आते। एक कथा किधर सुना, बात की करो, इसलिए किधर सुना, मेरे तरफ में ध्यान बोल, क्यों कथा बोल तू, देखो पीछे बैठे। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक से कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो ध्यान देकर सुना, इधर सुना, देखो जिनकी कथा सुनने की इच्छा है ना, एक बात भी याद रखना, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठो। आप घर छोड़ करके यहाँ कथा सुनने के लिए, अगर यहाँ आकर के फिर घर की कथा बोले तो फिर कथा में आने का क्या मतलब। इसलिए आप जिनको जानते हो, गुरु जी कहते जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, उससे थोड़ी सी अलग होकर बैठा करो, ठीक है। अब ध्यान देकर सुनो, इसलिए कथा सुनने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आते हैं। हाँ देखो, क्या अकेला आए, बोले नहीं, अपना पत्नी सारथ को लेकर के आए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कथा अकेले सुनने बताओ, पत्नी आए ना, अपना पति को लेकर के आए। अगर पति आए तो पत्नी को लेकर के, दोनों कथा सुननी चाहिए। देखो जो गाड़ी चलती है ना, एक गाड़ी से, एक पहिया से गाड़ी नहीं चलती है, दो पहिया से ही गाड़ी चलती है। तुम्हारी जो घर गृहस्थी चल रही है, अकेले चल रहे हैं नहीं, पति पत्नी दोनों मिल करके घर गृहस्थी को चला रहे हो। इसलिए यहाँ प्रश्न है, अरे हम दो दो क्यों कथा सुनने के लिए आए, ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठ लो। जैसे आप लोग 7 दिन तक कथा सुनने आओगे, आप देखना आपको इतने ज्ञान मिलेगी, इतने ज्ञान तुमको मिलेगी, तुमको पता चलेगा ये भगवान जीवन क्यों दिए, ये कैसे 84 लाख जन्मों के बाद में ये एक बार जीवन मिला, भगवान बारंबार ये जीवन हमें नहीं देते हैं। इसलिए भगवान राम
अयोध्या वासियों को कहते हैं, अयोध्या वासियों कहते सूरज दुर्लभ सदर ग्रंथ न गवा, कहते ये मानव जन्म पाने के लिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तभी ये मानव शरीर नहीं मिलती। कहाँ पर? क्या ऑस्ट्रेलिया में ना, अमेरिका में, बोले नहीं भारत में। कहाँ पर? भारत में। बोले कौन सा धर्म में? कौन सा धर्म में? बोले हिंदू घर में। कहाँ पर? हिंदू घर में। अरे न्यू अशोक नगर में, न्यू अशोक नगर में, नाम ही अशोक नगर है। यहाँ पर शोक है ही नहीं, यहाँ पर तो जन्म लेना बड़ा कठिन है, समझ रहे हो। फिर उससे फिर भाग्य है, फिर भागवत कथा सुना, फिर भागवत कथा सुनना बड़ी भाग्य से ये मिला है, हैं? ये जीवन क्यों जीवन ठाकुर ने दिए? इसलिए खा पी कर मर जाओ? पर नहीं, ये जीवन ठाकुर इसलिए दिए भगवान की भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए दिया। अगर 7 दिन तक आप देखोगे ना, आप जिस रूप में आए हो जब जाओगे, आप इस रूप में नहीं जाओगे। यहाँ से मीरा आते तो गोपी बन कर जाओगे। क्या बन कर जाओगे? मीरा नहीं तो गोपी बन करके यहाँ से जाओगे। मतलब क्या है? गले में कंठी माला तिलक, भगवान की भक्ति में लग जाओगे, ठाकुर जी की भजन में लग जाओगे। स्वयं देख लेना, 7 दिन में तुम्हारी चेहरा बदल जाएगी, तुम्हारी भावना बदल जाएगी। अगर माताएं कथा सुनने के लिए आई, तुम्हारी नारायण नहीं आए, केवल लक्ष्मी आई, फिर क्या होगा? जब तुम पता चलेगा जीवन दुर्लभ भजन करो, अगर माला लेकर के बैठोगे ना, पति क्या बोलेगा? बोले कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई है, कौन सी बाबा की चक्कर में पड़ गई। बोलती थी पहले चलो घूमने जाएंगे, सिनेमा देखने के लिए जाएंगे, अभी तक कहती है समय होते चलो वृंदावन जाएंगे, हैं? और समय होते ही चलो सत्संग भागवत कथा में जाएंगे, समझ रहे हो। अगर पति लोग आए, अगर वो भी अगर कथा सुने, उनको अगर रंग चढ़े, तो अगर वो थोड़ी सी माला लेकर गीता भागवत पढ़े, तो फिर पत्नियां क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? बोले काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो, बोलेगी कि नहीं? तुम लोग बोलोगे ना? हाँ बोलोगे। लेकिन अगर दोनों अगर कथा सुनने आओ, अगर दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगा ना, फिर क्या होगा? बोले चलो जल्दी जल्दी घर का काम को खत्म करो, चलो भागवत कथा में, चलो हम वृंदावन घूमने जाते हैं, चलो कहीं सत्संग हो रही है, चलो फिर गाड़ी तुम्हारी बहुत बढ़िया चलेगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर देखो, जब देवता लोग आए, अकेले नहीं आए थे, वो अपना देवियों को साथ में आए। जब श्री ब्रह्मा जी आए, वो ब्रह्मानी को साथ में आती हैं। जब श्री शंकर जी आए ना, वो अकेले नहीं आए। अब रामायण पढ़ करके देखो, जब शंकर जी कैलाश छोड़ करके कथा सुनने आते हैं, अगस्त ऋषि के चरण में वो अपना माता पार्वती को लेकर के आते हैं। चलो दोनों चलो सत्संग सुनने चलते हैं, दोनों कथा सुनने के लिए चलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले एक बार त्रेताया युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेताया युग माही, एक Hare Krishna.
जब जब कोई कीर्तन करते हैं, जो कीर्तन करेगा उसको पाप तो उठ जाएगी, लेकिन उठ कर जाएगी बैठेगा कहाँ पर, जो कीर्तन नहीं करेगा। समझ रहे हो? जो पाप करने पर कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान के नाम करने से पाप उसकी उठ जाएगी, लेकिन कहीं पर बैठेगी ना, कहाँ पर बैठेगी, जो कीर्तन नहीं करेगा। और ताली भी बजाना क्या करना, इसलिए एक संत दूसरे संत से कह रहे हैं, बोले भैया कहीं भी सत्संग भागवत हो ये ताली बजाने के लिए क्यों कहते हैं? तब दूसरे संत कहते हैं जो ताली बजेगा उसको तो पाप उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, जो ताली नहीं बजाएगी, इसलिए ताली बजाया करो और कीर्तन करो। बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, छोड़ कर के इसी मर्त्य जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं, हैं? इसे जब शंकर जी कथा सुनने के लिए आए थे वो सती को लेकर के आए थे, अभी सती की राम के ऊपर शंका हो गई, जिस समय रावण ने सीता माता को उठा करके ले गया था उसी समय में भगवान राम हा सीते बोल करके ढूंढ रहे थे। इतने में माता सती ने श्री शंकर जी से प्रश्न किया, बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले भगवान राम को। बोले ये क्या वही राम है जो परम ब्रह्म परात पर जो राम है वही क्या? बोले हाँ सती वही राम है, लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। देखो ये जगत में ऐसे पांच पह है ना, आप सबको समझा सकते हो,
लेकिन ये पांच खौ को नहीं समझा सकते। जानते हो पांच खौ क्या है? पहले बताओ पांच खौ कौन है, कल मेरे को सुनाना, ठीक है? पहला खौ है पत्नी। आप देखना सारा दुनिया पुरुष की बात सुनेगा, लेकिन ये पत्नियां पति की बात सुनते हैं। हर पत्नियां सोचती है तेरे को तो थक कर दुनिया ले जाते हैं, आप इनको समझाते समझते हार जाते हो, ये समझते हैं। इसलिए पहला नंबर है पत्नी को दुनिया को समझाओ, लेकिन पत्नी को नहीं समझा सकते हो। दूसरी नंबर बोले पुत्र है, आप दुनिया को पढ़ा दो, देखना बेटे को नहीं पढ़ा सकते, पुत्री को नहीं पढ़ा सकते हो, नहीं मना सकते हो, हैं? पुत्र और पुत्री। और तीसरा जो तो परिवार, आप देखना भले ही दुनिया में तुम्हारी इज्जत हो, लेकिन परिवार में कोई इज्जत है तुम्हारी? बता परिवार में किसकी इज्जत? किसी की परिवार में इज्जत नहीं, दुनिया में भले ही तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं हो। इसलिए परिवार लोग सुनेंगे नहीं। अब पंचमा पद सुन लो, बोले पड़ोसी। देखना दुनिया से तुम्हारे मित्र और लेकिन पड़ोसी झगड़ा हो है कि नहीं झगड़ा? इसलिए शंकर जी समझाने के लिए चाहे, लेकिन पत्नी पत्नी को नहीं समझा पाए। इसलिए शंकर भी कथा सुनने के लिए कैलाश से आते हैं। बोले शंकर की बात छोड़ दो, कथा सुनने के लिए वैकुंठ से स्वयं गरुण जी अगर कथा सुनने के लिए चाहो, वो भी कैला वैकुंठ छोड़ करके कथा सुनने के लिए आते हैं जगत में। देखो ध्यान देकर सुना, ये कथा के कितने महत्व है। देवताओं को देव लोग छोड़कर के कथा सुनने के लिए आना पड़ता है, ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोग छोड़कर कथा सुनना आना पड़ता है, शंकर जी को कैलाश लोग छोड़कर कथा सुनना आना पड़ता है, और गरुण जी को वैकुंठ छोड़ करके कथा सुनने के लिए आते हैं। लेकिन आप लोग देखो अशोक नगर के भक्त लोगों को तुमको कोई घर छोड़ना पड़ा? आप बताओ घर छोड़ना पड़ा तुम लोगों को? नहीं छोड़ना पड़ा। ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते और तुम्हारी घर के सामने आ गई, और हम घर में बैठ बैठ करके कथा रूपी गंगा में नहा लिया, कथा रूपी गंगा में नहा लिया। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, देखो ध्यान देकर सुनो, ये शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम सुंदर। माता पार्वती को कहती है, बोले पार्वती बोले सत्य संगति दुर्लभ संसारा। हे पार्वती जगत में ये जो सत संग है, ये जो भगवान की कथा पार्वती जगत में बड़ा दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ पार्वती। इतने में पार्वती कहती है प्रभु दुर्लभ कहीं सुलभ, देखो सुलभ कि नहीं ये कथा हो रही कि नहीं? ए बात मत करो, पीछे जो माताएं बैठी, ये कथा सुलभ हो गया कि नहीं बताओ? हमारे श्री बापू जी और इनके परिवार उन्हें कथा करवाने के लिए देखो बैनर अलग अलग जगह पर लगाए, सब लोगों को निमंत्रण भी दिया, कथा सुनने के लिए आओ, कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ, हैं? निमंत्रण भी दिया, इतना नहीं फिर कथा को बाद में प्रसाद की भी व्यवस्था की। जो कथा सुनने के लिए आएंगे वो भूखे से नहीं जाए, ये प्रसाद भी मिले, प्रसाद भी मिले। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती, देखो शंकर जी कहते क्या कहते हैं, बोले आप सार अति कठिनाई, आवत रही सार अति कठिनाई, आवत रही सार अति कठिनाई, आवत रही सार अति कठिनाई। I'm sorry.
अंदर से कहते हैं पार्वती कितने कुछ करने पर भी पार्वती कथन को नहीं आएगा, कथन को नहीं आएगा। लेकिन अगर जिसको पता चलता है यहाँ साधु खान आ रहा है, यहाँ सालमान खा रहा है, ये हेमा मालिनी यहाँ पर आएगी, नहीं तो यहाँ पर है कहते अमिताभ बच्चन ही इसे हाल करने आएगा। बताओ प्यार रखने के लिए जगह होता कि नहीं, प्यार रखने के लिए जगह मिलता मिलता कि नहीं, नहीं मिलता है ना। अगर टिकट अगर 1000 रुपया टिकट भी होता, टिकट करने पर भी यहाँ जगह मिलता क्या? नहीं मिलता है ना। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई, यदि ये भगवान की कथा में माता पार्वती सहज में कोई नहीं आएगा, इतने बहाना बाजी मारेंगे, अरे घर में ये काम पड़ गया, वहाँ जाने की था, उसकी शादी, लेकिन ये हीरो हीरो नहीं आए तो कोई बहाना बाजी मारेंगे, कोई बहाना बाजी मारेंगे नहीं, पहले आएंगे, जितने काम होना उसको पीछे रखकर आएंगे, नहीं चलो अमुक हीरो हीरोइन आ गए। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बड़े भाग्यशाली व्यक्ति आएंगे। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती को, पार्वती फिर प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु ये मेरी भागवत कथा में कौन कौन आते हैं, ये कथा में कौन कौन आते हैं? शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही यह संगत सोई। पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर की विशेष कृपा हो पार्वती, वही व्यक्ति यहाँ पर आ सकते हैं, है वही व्यक्ति कथा में आ सकते हैं। उदाहरण तौर पर समझाए, जैसे आपके घर में शादी हो रही है, आप बताओ वो शादी में कौन कौन आएंगे? आप जिसको नौता दोगे, आप जिसको नौता दोगे वही आएगा ना, भले ही वो अमेरिका में क्यों नहीं हो, वो लंदन में क्यों नहीं हो, वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हो, अगर आप नौता दोगे ना उतना दूर तक आएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन तुम्हारे घर को पास में कोई व्यक्ति रह रहा है, लेकिन आप उसको निमंत्रण कार्ड नहीं किया, बताओ आपके घर में वो आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्यों? आपने उसको निमंत्रण नहीं किया। स्वयं शंकर जी कहते पार्वती ये भागवत कथा में कौन आ सकता है? बोले जिसको कांके बिहारी ने नौता दिया है, जिसको कांके बिहारी ने नौता दी वही यहाँ पर आए। उदाहरण देकर समझाए, जब कृष्ण वृंदावन में जब बंसी बट को नीचे कृष्ण बंसुरी बजाए, जब कृष्ण बंसी ध्वनि की ब्रज में कितने लोग थे, कृष्ण की पिता माता भी थे, उनकी सखाएं भी थी, हैं ग्वाल बाल भी थे, कितने लोग वहां पर थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं आए। यहाँ पर कौन आए? केवल ब्रज की गोपियां ही वहां पर आई, क्यों? कृष्णा उनको बुलाना, कृष्णा उनको बुलाना चाह रहे थे, इसलिए कृष्णा जिसको बुलाएंगे ना कथा रूपी, यहाँ पर तो भगवान कृष्ण ने कथा रूपी बंसुरी तो बजाई, लेकिन ये जो इसका जो आवाज है ना सबको कान में नहीं गई है। किस किस कान में गई? तुम लोगों को कान में गई है, तुम लोगों को कान में गई, इसलिए तुम लोग आए। और जिनके कान में गई नहीं वो आने पर भी भाग गई, वो आने पर भी भाग गई क्योंकि कृष्ण को बुलाया नहीं ना, हैं? कृष्ण उसको बुलाया नहीं, कृष्ण बुलाएंगे तब जाएंगे ना। इसलिए शंकर जी कहते अति हरि कृपा जा पर होई, हे पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर की विशेष कृपा होगी पार्वती, पाप देही किया संगत सोई, वही व्यक्ति ही कथा में बैठ सकता है। आप देखना कोई टीवी में सीरियल आए ना, कोई सिनेमा आ जाए, सिनेमा क्या है? झूठा, एकदम एक नंबर से झूठे चीज को एक रूपक देकर बनाया, एक यही है कि नहीं? एक हीरो हीरोइन को बना दिया और उसमें और कुछ लोगों को बुला दिया, झूठा है कि नहीं? होता सिनेमा झूठा कि नहीं? तीन तीन घंटा बैठ कर देखते कि नहीं? हाथ को फाड़ फाड़ कर तीन तीन घंटा बैठ कर हम देखते हैं, लेकिन जहाँ भगवान की कथा हो, जिसमें आनंद हो, रस हो ना, लेकिन उसमें हमारी रुचि नहीं होती है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में मान के बिहार की कृपा हो, वही व्यक्ति ही भगवान की कथा में आ सकते हैं। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, बोल श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। अभी प्रश्न होता है,
हम लोग जो ये कथा सुनने के लिए आए हैं, हमको क्या मिलेगा? हम क्यों वहाँ पर दो दो तीन तीन घंटा हम क्यों यहाँ पर बैठेंगे? अगर और कहीं समय को देखे हमें तो कुछ लाभ होता, सब बोलेंगे ना, हम क्यों दो दो तीन घंटा देंगे? कहाँ पर समय देते हैं, क्या माल मिलेगा? जहाँ हमारे फायदा होगा वहीं पर तो समय देते हैं ना। जहाँ पर बिना फायदा के आप समय देते हैं कभी? समय हम नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ प्रश्न है, हम यहाँ पर क्यों समय दें? कथा सुनने से हमें क्या फायदा होगा? इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपको सात लाभ होगा। कितना लाभ होगा? जोर से बोला, आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, और जो बोल देगा ना मैं उसको इनाम दूंगा, बढ़िया इनाम दूंगा। क्यों हम कथा सुने? कथा सुनने से हमें क्या लाभ होगा? अभी प्रभु जी आपके भजन सुना देंगे, एक भजन सुना देंगे। उनको बोला पानी जो पीना चाहते हैं ना प्रभु जी, उनको बोल दो पानी अभी दे दो, पानी दे दो, जो पानी पीना चाह बैठो आपको पास में पानी आएगा, पानी दे दो। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, कि मेरा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, मेरा पार हो जाए। Thank you.
Thank you.
का पहला लाभ है जो व्यक्ति कथा सुनेगा वो कभी मरेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? वो कभी मरेगा नहीं। इसलिए भागवत कथा को अमर कथा बताया। बोले अमर कथा क्यों बताया? क्योंकि शंकर जी सर्वप्रथम माता पार्वती को ये कथा ये अमरनाथ में सुनाए थे। आप लोग कोई गए हो अमरनाथ? कौन कौन गए? कौन कौन जाएगा हाथ उठा एक बार सब काम ले जाए। इसलिए अमरनाथ में शंकर जी पार्वती को ये अमर कथा सुनाए। बोले क्यों सुनाए? इसकी कथा सुन लो। बोले एक समय में शंकर जी कहीं बाहर गए हुए थे, घर में माता पार्वती अकेले थी। एक दिन श्री नारद जी आए। बोले माता जी ठीक ठाक हो? बोले मैं बहुत खुश हूँ। बोले आप कैसे खुश हो? बोले देखो वही स्त्री सुहागिनी है सौभाग्यवती जिसको पति प्रेम करता है। अगर जिसको पति प्रेम नहीं करता है तो दुर्भाग्य है। इसलिए शंकर जी मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। बोले कैसे? बोले कहीं से भी कथा सुन करके आते हैं वो सबसे पहले मेरे को बैठा करके शंकर जी कथा सुना। इसलिए जितने पुराण देखोगे ये शंकर पार्वती का संवाद है। लेकिन नारद जी को ये भागवत ग्रंथ प्रकाश करना था। इसलिए नारद जी कभी कभी हम बोलते हैं ना तू क्या नारद जी का काम करते हो? मतलब क्या क्या लड़ाई लगाते हो? कभी कभी बोलते ना नारद जी का काम नारद को भी लड़ाई नहीं लगाते हैं। ये ऐसे कुछ काम करते हैं जो ठाकुर की कोई नई लीला प्रकट हो जाए तो लीला रस को आनंद लेते हैं। इतने में शंकर जी ने बोले देखो पार्वती तुम कहते हो शंकर जी पार्वती प्रेम करते हो कपट प्रेम कर रहे हैं सही सही प्रेम नहीं करते। बोले मतलब क्या? बोले तुम्हें पता है शंकर जी और भी अंदर अंदर में जिसको प्रेम कर रहे हैं उनको और भी कोई एक प्यारी तुम्हें पता है शंकर जी की? इतना सुन कर तो पार्वती बोली क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। देखो स्त्रियाँ हर चीज को सहन कर लेती लेकिन उसको पता चले उसका पति अंतर अंतर में और किसको प्रेम कर रहे हैं बताओ पत्नी सहन कर सकती है? ये चीज को कभी पत्नी सहन नहीं कर सकती। शंकर पार्वती सुनते तो आग लग के बोले क्या बोल रहे हो? बोले मैं सही बोल रहा हूँ। बोले इसका प्रमाण किया? बोले आज मैं प्रमाण जानूंगा। बोले कैसे? बोले एक काम करो तुम जाकर के मान भवन में लेट जाओ। पहले एक मान भवन होता था। रामायण देखे आप लोगों ने? कौन कौन रामायण देखे हो? जब श्री कैकेयी मान भवन में लेट गए ना दशरथ महाराज जाकर के मनाए पहले राजभवन में एक मान भवन भी होता था। अगर रानी अगर उसी घर में चली गई राजा को क्या पता चलेगा? रानी मान की है। बोले अलंकार उतार दो महिला कपड़ा पहन करके लेट जाओ। शंकर जब आए ना तभी एक प्रश्न करना। बोले क्या प्रश्न? बोले उनको पूछना आपके गले में ये मुंडक की माला किसकी? बोले इतना पूछ लेना सारे रहस्य पता चल जाए। इतना नारद जी बोले और भाग्य जब भाग गए इतने में शंकर जी आ रहे थे। बोले नारद जी थोड़ा रुक जाओ नारद जी थोड़ा रुक जाओ। बोले मेरे पास में समय नहीं। शंकर जी समझ गए भैया काल कुछ बोला तो नहीं कहते मेरे पास में समय क्यों नहीं। इतने में जब आए देखा माता पार्वती को मान भवन में ले गई। जब शंकर जी इसको अपने हाथ रखा ना पार्वती तो हाथ को फेंक दी। बोले मैं तो सोच रही थी आप तो भोले बाबा हो लेकिन पता चला आप तो बड़े कपटी बाबा हो हैं। बोले क्यों क्या बात है? बोले क्या बात है? बोले मैंने सुना आप अंदर अंदर में और किसको प्रेम कर रहे हैं। बोले नहीं पार्वती। बोले प्रमाण किया? बोले ये बताओ आपकी गले में मुंडक माला किसकी? सही सही बताओ। पार्वती तीन बार कसम खिला कर पूछा ये मुंडक की माला किसकी? कभी इसको त्याग नहीं देते। बोले देखो पार्वती जो मुंडक की माला है ना ये और किसकी नहीं है तुम्हारी। मैं तो और किसको प्रेम करता हूँ लेकिन तेरे को सिवाय और किसी को मैं प्रेम नहीं करता। बोले कैसे? बोले ये मुंडक माला तुम्हारी। बोले मेरी कैसे? मेरे सर तो मेरे शरीर में अपने गले में कैसे आ गया? बोले देखो पार्वती तुमको पूर्व जन्म की बात याद है। पूर्व जन्म में तुमने सती थी और तेरे पिताजी मेरे को अपमान की है इसलिए तुमने कणखल में शरीर त्याग की हरिद्वार में तुमने शरीर त्याग की। एक जन्म नहीं कितने जन्म से तुम शरीर को त्याग रही हो।
जब जब तुम शरीर त्याग देती हो, चूंकि मैं तेरे को बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे सर को मैंने गले में माला रूप में धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली, प्रभु मैं तो सोच रही थी आप कोई छोटे मोटे कपटी हो गए, अभी पता चला बहुत बड़े कपटी निकले। बोले कैसे? बोले आप ये बताओ, ऐसे कौन सा अमर बोटी को तुमने पान किया हो? अमर औषधि को आप पान किया? मरती रही हूँ मैं, मरती जा रही हूँ। आप बोलो कौन सा अमर बोटी को पान किया? बोले पार्वती, जब से मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की, तब से मैंने अमरत्व को प्राप्त की। तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की। इतने पार्वती कहते, प्रभु मेरे को भी सुना दो, मैं भी अमर बन गई, आप भी बनोगे, मैं मरती जा रही हूँ आप मर भी रहे हो, मेरे को भी सुना दो। शंकर जी कहते, पार्वती ये कथा को सब नहीं सुन सकते। शंकर स्वयं कहते हैं, कहते जन्मांतरे भवे तो पुण्यम, जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हुआ वही सुन सकते हैं। बोले मैं तो सुन सकती ना। बोले हाँ, तुम्हारी अंदर में भक्ति और श्रद्धा है, तुम कथा सुन सकती हो। बोले सुनाओ। बोले चलो हम तुम्हें अमरनाथ ले चलते हैं और वहीं पर मैं तुमके लिए कबर कथा सुनाऊंगा। हैं? तो इतने में शंकर जी माता पार्वती को बोले, तुम हुंकार भरते रहना, मैं आंख बंद कर कथा सुनाऊंगा। शंकर जी जयकार दिए, श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। कोई जय कोई है बोल रहे हो? जयकार में आनंद नहीं आया, जोर से बोलो श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। अभी पता चला जयकार दे रहे। इतने में शंकर जी कथा सुनाए, लेकिन शंकर जी कथा सुनाते सुनाते माता पार्वती बीच में सो गई। लेकिन उसी वृक्ष गोबर में एक तोता भी बैठ करके कथा सुन रहा था, वो भी हुंकार भर रहा था, वो भी हुंकार भर रहा था। इतने में माता पार्वती जब सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया। तोता ने देखा भैया तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर जी कथा को बंद कर देंगे, मेरी कथा भी अधूरी रह जाएगी। इतने में तोता भी हुंकार भरने लग गया, बड़ी प्यारी कथा, इसको आगे की बात सुना। उसको बाद में किया हुआ, शंकर तो आग बंद की हुई है, भोले बाबा है तो बस कथा सुनाते जा रहे। कथा सुनाते सुनाते जब कथा विश्राम हो गया, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में भैया तो जगे, देखो हम भी बीच बीच में जयकार देते हैं। बोले क्यों जाते हो? कोई सो नहीं जाए, कोई सो नहीं जाए कथा में, इसलिए हम बीच बीच में जयकार देते हैं। इसलिए इतने में जग गई। बोले उसको बाद में किया, बोले कथा तो विश्राम हो गया। बोले मैं तो बीच में सो गई थी। बोले कैसे सो गई थी? अब तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं, मैं तो सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये तो अमर कथा, जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा, ऐसे नहीं कोई पापी व्यक्ति अगर सुन लेगा तो। आप लोग देखना, कृष्ण जब गीता को ये गीता की उपदेश दी ना, देखना अंतिम में क्या कहते हैं। तो देख अर्जुन, मैंने तुमको ये जो ज्ञान की बात बताई ना, न अभक्ताय कथा सुनी, दुष्टों को कथा नहीं सुनानी, अभक्तों को कथा नहीं सुनानी। क्यों? कथा रूप में मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं ये कथा रूप में हूँ, इसलिए दुष्टों को कथा नहीं सुनाना, मेरे भक्तों को ही कथा सुनाना। इसलिए यहाँ पर शंकर जी ने देखा, अगर कोई अनधिकारी कथा सुन करके अमर बन जाएगा तो, अगर दुष्ट लोग अगर अमर बन जाएंगे, दुनिया को ध्वंस कर देंगे। शंकर जी ने देखा, किसने ये ब्रह्म ज्ञान को छूप कर किसने सुनी है? इधर उधर देखते हुए देखा, उसी वृक्ष को ऊपर एक तोता बैठ कर कथा सुन रहा था। शंकर जी ने बोले, तुमने ब्रह्म ज्ञान को छुप करके चोरी की। शंकर उठाया त्रिशूल, उठा करके उसको मारने के लिए पीछा भागा। जहाँ जाए शंकर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे करते करते जब पहुंचे बद्री का आश्रम पर, वहां पर भी व्यास देव अपना पत्नी विदटा को भी यही दिव्य ज्ञान प्रदान कर रही थी, भगवान की कथा सुना रही थी। वो विदटा भी जैसे कभी कथा सुनते ना हूं बोल करके, ऐसे सुन रही थी। इतने में वो तोता जा करके सूक्ष्म रूप धारण करके हुए अंदर में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, तोता यही गायब कहाँ हो गया? इतने में व्यास तो बोले, भोले बाबा
कहाँ से भागते भागते आ रहे हो, पसीना पसीना बह रहा है। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने अमर कथा सुन ली। बोले अमर कथा सुन ली? बोले आप पीछा क्यों कर रहे हो? बोले मारने के लिए। बोले सचमुच से आप भोले ही हो, आप भोले ही हो, आप स्वयं कहते वो कथा अमर कथा, जो सुनेगा मरेगा नहीं। आप बताओ वो तोता कथा सुनी कि नहीं? बोले हाँ सुन लिया। जब उसने सुन लिया वो अमर बन गया कि नहीं? वो तो बन गया अमर ना, कथा सुन ली, फिर पीछा कैसे कर रहे हो? बोले अभी तक तो मेरे को ये बात ध्यान में नहीं आई, हाँ ध्यान में मेरी नहीं आई। फिर सज्जन जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण होता है ना, ये कभी भी यहाँ बैठ करके कथा नहीं सुन सकता। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम। बोले एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर कोई कथा सुन सकता, नहीं तो कथा में कोई बैठ भी नहीं सकता है। पुण्यात्मा ही कथा सुन सकते हैं, लेकिन ये पूर्व जन्म में इसे कौन सा पुण्य की कथा सुन रहा है? शंकर जी ध्यान लगाया। जब शंकर जी ध्यान लगाए, उन्हें सब कुछ उन्हें देखा है। उन्हें क्या देखा है? कभी जो तोता है, ये तोता को बताए, ये तोता कोई साधारण तोता नहीं था है। कभी ये राधा रानी की अत्यंत अत्यंत श्री प्रिय तोता है, जिसको प्रिया सुख श्री वृषभान जाया पवित्र चंचो प्रिय चो बने ना एकांत गनन नरस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहती है राधा रानी की ये निकुंज महल में रहने वाले जिनको राधा रानी बड़ी प्यार करती थी, प्रेम करती थी, कभी कभी इसको कृष्ण रूप जान करके चुंबन करती थी, इसलिए राधा रानी की जो अधरा मृत है ये तोता की मुंह में लगा हुआ था। हम आगे कथा सुनेंगे। 88,000 ऋषि वहां पर थे, 100-150,000 साल की, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी केवल 16 साल के थे और इनकी मुंह से ही कथा सुने। क्यों? ये तोता राधा जी की प्रिय तोता। एक दिन राधा रानी उसको हाथ में बैठा रखी थी, बड़ी सुंदर आधा रखी दाना खिला रही थी, कृष्ण नाम पढ़ा रही थी। बोले बोलो तो कृष्ण कृष्ण। वो तोता भी बोलता था कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण। एक दिन क्या हुआ, ये तोता अपना जाति स्वभाव से एक दिन राधा जी के हाथ से उड़ गया। उड़ते उड़ते पहुंचा नंदगांव में, एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके बड़ी सुंदर राधा जी की भजन गा रही थी। बोले राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे ताली बजा के बोलो, राधे अनमोल बोलो, राधे राधे जहाँ का नाम अनमोल बोलो, राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे I'm
सुनकर चौकों में इतने सुंदर राधा जी के नाम कौन गा रहा है। देखा है कि तोता बैठ करके बड़े सुंदर भजन गा रहा था। कृष्ण तोता को बुलाया तो तोता उड़ते हुए राधा कृष्ण को हाथ में बैठ गया। तो बोलो तो अभी तू क्या बोल रहा था। तो उन्होंने चार लाइन का एक संस्कृत श्लोक बोला। बोलिए तोता होकर के संस्कृत श्लोक बोलता है। बड़े सुंदर उनके लिए पिंजरा बनवाए सोने की और उसको अंदर में धर दिए। अभी राधा रानी बड़ी दुखी हो गई, मेरे तोता कहाँ चला गया। एक माधुरी का सखी को बोला ढूंढो तो, और ढूंढते ढूंढते जब आया नंदगांव में देखा कृष्ण हाथ में बैठा करते। कृष्ण बैठा करके अपना हाथों से आनारे की दाना खिला रहे हैं और उनको राधा रानी का नाम के पाठ पढ़ा रहे हैं। बोले श्याम सुंदर ये तोता हमारी श्री किशोरी जी की राधा रानी की ये पालता तोता है दे दो। राधा रानी बड़ी दुखी। बोले अगर ये तुम्हारी राधा जी की पालता तोता तुम बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए अगर तुम्हारी हाथ में चली जाए फिर मैं समझूंगा तोता तुम्हारी ले जाना। बोले कृष्ण तेरा नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब क्या है बोलो। कौन बोलेगा कृष्ण का मतलब क्या है पर? अरे बोला। बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना और स्ना मतलब होता है आनंद देना। जो हर समय अपना तरफ में जीव को आकर्षण करते हैं और सबको जो आनंद प्रदान करते वो कृष्ण ही। बोले जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जो एक बार तेरे हाथ में बैठा जाए और तुम उसको इतना प्यार को लाल लड़ाओ और उसको आनार की दाना खिलाओ तो तुम कभी छोड़ सकता है। तेरा नाम ही कृष्ण है। कृष्ण बोले भैया फिर तो तोता मेरा है तुम जाओ। इतने में वो गई मैया जसोदा के पास में। बोले जसोदे हमारी राधा रानी की तोता को कृष्ण पकड़ लिया, देना नहीं चाहते हैं। राधा रानी बड़ी दुखी। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गोचर न करने जाएगा पीछे से मैं भेज दूंगा। जब कृष्ण गोचर न करने के लिए गए बोले मैं ये तोता को ले जाऊंगा। मैया बोली का पागल हो गया, कहाँ तो जंगल जंगल में भटकोगे, ये तोता मर जाएगा धूप में। बोले मैया ये तो राधा रानी की गले की आवाज जैसे से श्लोक बोलता है, इतने बड़ा सुंदर तोता पीछे से गुटिया ले नहीं जाए। बोले लाला कोई चिंता मत करो मैं रखूंगी। जब वो गोचर न करने के लिए गए अरे वो तोते को उन्होंने भेज दिया राधा जी को पास में। इसलिए शंकर जी ये ध्यान से देखे फिर क्या क्या देखा ध्यान से। जैसे भगवान राम जब ये जगत को छोड़कर गए पूरा अयोध्या वासी लेकर गए, आप बता सकते हो किसको छोड़कर गए थे। एक व्यक्ति को लेकर गए नहीं। हनुमान। कौन बोलेगा? हाँ ये माता जी के लिए ताली हो जाए। इसलिए केवल श्री हनुमान जी पर रखते बोले क्यों गए। बोले हनुमान जी अगर तू चला जाओगे मेरे राम भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा, इसलिए तुम यहीं पर रहा करो। उसी तरह भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए संपूर्ण वृंदावन को लेकर गए लेकिन एक व्यक्ति को लिया नहीं। किसको नहीं लिया? बोलिए तोते को नहीं लेकर गए। बोले अगर तू चला जाओगे तो जगत में ये कृष्ण भक्ति को कौन प्रचार करेगा। जब भगवान चले गए तो का बड़ा उदास होकर भटक रहा था लेकिन जब अमरनाथ में पहुंचा देखा शंकर जी पार्वती को ये अमर कथा सुना रहे थे। तब उन्होंने शंकर जी से ये कथा को सुना और सुन करके उन्होंने श्री पिटका जी व्यास देव की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। शंकर जी ने देखा यही तो था ही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे और जगत में सर्वत्र भगवान की भक्ति प्रचार करेंगे। इसलिए शंकर जी इसको
ध्यान से देख करके बोले मेरी कथा सुनाना सार्थक हो गया, कथा सुनाना मेरी सार्थक हो गया, क्योंकि यही भागवत धर्म प्रचार करेगा। इसलिए उनको परिक्रमा की और वहीं से उन्होंने चले गए, फिर श्री सुखदेव रूप में प्रकट हुए। देखो अच्छे तरह से समझो, ये भागवत कथा जो सुनेगा वो अमर बनेगा, इसलिए इसका नाम अमर कथा। आप और हमारी कथा छोड़ दो, जो सत्यम शिवम सुंदरम जोगी जोगी देव देव महादेव, शंकर स्वयं कहते हैं ये भागवत कथा सुन करके मैं स्वयं अमरत्व को प्राप्त हूँ। स्वयं कहते हैं माता पार्वती की, पार्वती को घर घर में पूजा करते हैं जो जगदम्बा जग जननी है, कहते तब तक उन्होंने भी शरीर बदला है, कब तक, जब तक इन्होंने भी यही कथा नहीं सुनी। जब से पार्वती ने कथा सुनी तब से माँ पार्वती अमरत्व प्राप्त की। अगर हम भी कथा सुनेंगे ना, हम भी जगत में अमर बन जाएंगे, हम भी जगत में अमर बन जाएंगे। देखो जिन जिन्हों ने कथा सुनी अमर बन गए, सबके सब अमर बन गए जो कथा सुने हैं। परिकृति महाराज सुने देखो वो भी अमर बन गए, सुतो गोस्वामी सुने वो भी अमर बन गए, सौनकाल सुने वो भी अमर बन गए। देखो उनका नाम जगत महे कि नहीं, घर घर में पूजा होती है। हनुमान जी सुने वो भी अमर बन गए, तुलसीदास जी सुने वो भी अमर बन गए, मीरा भी बनी वो भी अमर बन गई, बन गए कि नहीं जगत में, घर घर में मीरा के नाम लेते कि नहीं। अगर हम भी सुनेंगे ना हम भी अमर बन जाएंगे। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ है जीव को अमरत्व की प्राप्ति होगी। पहले कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या, ध्यान देकर सुना, कल मैं पूछूंगा जो बोलेगा मैं इनाम दूंगा, ठीक है, अच्छे तरह से सुना। कथा सुनने का दूसरा लाभ दिया बोले तप्त जीवनम। हम संसार में सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, दुखी है कि नहीं बोलो। जगत में कोई बोल सकता है कि सुखी संसार में, कोई नहीं बोल सकता हम संसार में सुखी में रह रहे हैं। सबके सब संसार में बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास, सुखी राम का दास। दुनिया में सब दुखी है लेकिन जो कथा सुनेगा ना, कहते इसको जितना दुख है उसका तप्त जीवन सबके सब शांत हो जाएगा। इसका प्रमाण दे दो, हम संसार में सब दुखी है, दुखी है कि नहीं, लेकिन देखना जब तक दो घंटा ढाई घंटा यहाँ बैठोगे ना, अभी बताओ घर की कोई बात तुम्हारी याद है, कोई दुख कष्ट तुम्हारी याद है क्या, कोई दुख कष्ट याद नहीं। क्यों बोले जो भगवान की कथा सुनते हैं ना, आप कथा नहीं सुन रहे हो, बाके बिहार की गोद में बैठे हो, भगवान की गोद में दुनिया में बैठे हो, ठाकुर की गोद में बैठे हो, लेकिन केवल ये कथा से उठ करके जाओ, केवल ये गेट को पार कर लो, ये गेट को केवल पार कर लो, पार करके ही संसार का जितने दुख है पहाड़ रूप में सर पर बैठ जाएगी। घर में जाने पर ये दिक्कत है, घर में जाने पर सास को साथ में बैठती नहीं, बहू को साथ में नहीं बैठती, पति को साथ में नहीं बैठती, बेटा कमा नहीं रहे, परिवार में ये दुख है, ये कष्ट है, केवल ये गेट से बाहर निकलो सारे दुख पहाड़ जैसे बैठते हैं सर। एक जब तक कथा में बैठोगे ना तब तक सारे दुख को भूल करके बैठेंगे। इसलिए कहते हैं जो तप्त जीवन है ये ठंडा हो जाएगी। बोले इसका तीसरा लाभ क्या है, बोले श्रवण मंगल। इसको जो सुनेगा ना, कहते ना मंगल भवन मंगल हरि, भगवान कथा सारे अमंगल को दूर करने वाले। और जो चौथा लाभ क्या है, कहते कलमस अपहन, जितने तुम्हारे पाप है ना सारे पाप तुम्हारी खत्म हो जाएगी। जो भगवान की कथा में बैठे हुए सारे दुख कष्ट का कारण हमारी प्रारंभ हो, सारे पाप का कारण से, लेकिन कथा सुनने से पाप भी तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। और उसका जो छठवा लाभ है बोले जो सुनेगा, बोले श्री, बोले श्री मतलब संपत्ति, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब होता है गौरव। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा उसको जगत में भी बड़ी शोभा मिलेगा, जगत में उसको खूब जय जयकार होगा,
और स्त्री मतलब होता है लक्ष्मी, स्त्री मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ पर नारायण के चरण में, तो लक्ष्मी। इसलिए जो व्यक्ति कथा सुनेगा उसको भी लक्ष्मी कभी उसकी प्राप्ति होगी। और उसका जो सप्तम लाभ है बलता, ता मतलब होता है खंडन करना। जो व्यक्ति कथा सुनेगी संसार का जो आसक्ति है, संसार का जो बंधन है, वो सारे बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। और यहाँ पर राधा रानी कहती है जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, लेकिन जगत में जो ये भागवत कथा को जो दान करते हैं, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए जोर से ताली बजा पापू जी के लिए, जिन लोगों ने ये भागवत कथा को रखवाया है। इसलिए कहते कथा सुनने पर सात लाभ में सात लाभ होगा। देखो अगर अनजान में भी कथा में बैठी गई, तुम्हें पता नहीं कथा पता होता है क्या, कहीं घूमते घूमते जा रहे कथा में बैठी गई हो, कहते अनजान में भी कथा में अगर कोई बैठ गया ना, बड़ा पार, बड़ा पार। आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुना। पीछे माताएं आपस आपस में बात कर रहे हो, लगता है कोई पीछे सुन नहीं रहे हो। सुन रहे कि नहीं, सबके सब सुन रहे हो, हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग बोलो मैं सुन रहा हूँ। और एक बार जोर करके बोलो हरे। पापू जी ने इतने बड़े सुंदर सरबत मिलाए, आवाज नहीं आ रही मिले से। और एक बार जोर से बोलो सबके साथ, ज्ञान हाँ। इसलिए देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, अगर अनजान में तुम्हें पता नहीं भागवत क्या होता है, अगर अनजान में तुम बैठ गए मजबूरी में, आप बोलोगे बाबा बोल दिए, जिसको मेरी कृपा नहीं हो सो भाग रहे हैं, अगर कथा से जाऊंगा तो बाबा पता नहीं क्या समझेंगे। देखो तुम अनजान में मजबूरी में भी बैठ गए कथा से, इसकी कितने लाभ, ध्यान देकर सुनो। बीनू तुम कथा सुनता कि नहीं, बहुत बीनू कथा सुन रहे हो, रोज एक कापी लेकर गया कथा की, कथा सुना ठीक है, देखिए बच्चे लोग कितने कथा सुनाते हैं। अरे देखो ध्यान देकर, एक समय कोई एक फेरी वाला था, फेरी वाला जानता भी नहीं, सर पर टोकरी में तरह तरह का सामान को पहले लेकर गांव गांव में घुमा करते थे, अभी भी गली गली में घूमते हैं। एक फेरी वाला फेरी का काम करते करते बड़े दूर चला गया, जब दूर चला गया देखा आज मैं अपना गांव में वापस नहीं जा सकता हूँ, रात को यहीं पर रुक जाऊंगा, कल से काम करूंगा। गाँव में पूछा रात को कहीं रुकने का व्यवस्था, अब देखना पहले गाँव गाँव में मंदिर हुआ करता था, कोई भी अतिथि आते थे मंदिर में रुकते थे, बोले जाओ मंदिर में रुको कोई दिक्कत नहीं। जब वो सोने के लिए गया, वो गांव में नियम होता था जो बड़े बूढ़े होंगे पता होगा, पहले तो टीवी होती थी नहीं, स्मार्टफोन होता थे नहीं, क्या होता था गांव के लोग एकत्रित होकर के मंदिर में कीर्तन करते थे, वहीं पर भगवान की कथा सुनाया कर सुनते थे। जब वो सोने के लिए गया, इतने में सारे गाँव के लोग आ गए और ढोलकी मजरा लेकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय राम बोले गोविंद जय गोपाल जय जय सब लोग कीर्तन कर
करना शुरू किया। वो बेचारा सोने जा रहा था, जब सबके सब कीर्तन करके सोएगा कैसे, वो मजबूर में बैठ के थोड़ा ताली बजा कर कीर्तन किया। लेकिन देखा वहां पर फिर भगवान की कथा होने लग गया। बोले भगवान ये कब कथा खत्म होगी सोम का। उसने मजबूर में वो सोच रहा था, टाइम पास कर रहा, किसे तो कोई फल मिलेगा नहीं, ये बेकार काम है, भगवान की भक्ति भक्ति ये हम टाइम पास कर रहे हैं, इसी भाव से उसने कथा सुनी। एक घंटा बाद में कथा विश्राम हो गई, सब चले गए, बोले बच गया, इसलिए घर सो गया। जब सो गया कुछ दिन बाद में मृत्यु आई, जमदूत पकड़ करके ले गए। चित्रगुप्त बोले कापी खोलो, कापी खोला चित्रगुप्त, बोले बताओ कितने पाप और पुण्य। बोले इसने तो पुण्य कुछ किया ही नहीं, ये तो झूठ मूठ बोल करके पैसे फैन का काम करता था, पैसा कमा करके परिवार पालता था, लेकिन जिंदगी में कोई भी उसने सत्कर्म नहीं किया है। जब महाराज बोले भैया थोड़ी बहुत कुछ तो होगा, बोले हाँ थोड़ी सी पुण्य है। एक बार वो गांव में पहुंचा था मंदिर में, और वहां पर भगवान की कीर्तन कथा हो रही थी, एक घंटा केवल कथा कीर्तन सुना, इतना पुण्य और कोई पुण्य नहीं। बोले देख तुमने बहुत पाप कर्म किया, नरक जाओगे, लेकिन थोड़ी सी पुण्य भी किया, स्वर्ग एक घंटा के लिए स्वर्ग जाओगे, बताओ ये दोनों में तुम क्या लेना चाहते हो। उसने बोला तो नरक तो जाऊंगा ही, मैंने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है। बोले मेरे को एक घंटा स्वर्ग भोगा लो। बोले ले जाओ उसको, एक घंटा स्वर्ग भोगा करके ले आओ। जब उसको स्वर्ग में ले गए, वहां पर दरवान था, बोले एक घंटा बाद में वापस ले देना। स्वर्ग में गए तो देख कर उसका चका चौक देख कर के, बोले सचमुच से कोई जगह पर आ गया ना, मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमारे ईंट पत्थर देकर घर बना हुआ, कोई ईंट पत्थर देकर के नहीं, कोई हीरे जवाहरात से बना हुआ, जैसे हमारा बिजली चल रही ना लाइट, वहाँ पर लाइट नहीं, यहाँ पर तो मणि एक एक हीरे रखा हुआ, उससे आलोक में आलोकित हो रहा था। रंभा उर्वश मैंने का नाम सुने हो, ये कितने सुंदर है आपको बताए, कहती है पृथ्वी में जितने स्त्रियों का रूप इकट्ठ कर लो और जितने सुंदरता होगा, एक रंभा उर्वश मैंने का इतना सुंदर है, इतने सुंदर वहाँ पर, वहाँ पर अमरावती, वहाँ पर अमृत पान करते पारिजात पुष्प दिव्य श्री स्वर्ग का देख करके तो बोले बाबा क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन उसको एक घंटा बाद में नरक ले जाएंगे उसको। इतने में उसने देखा सब जगह पर तो भोग कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ में कोई जा नहीं रहे। बोले भैया इधर क्यों तुम नहीं जा रहे। लेकिन जब उसने उधर गया ना, देखा वहां पर चतुसन वहां पर कथा कर रहे हैं, वहां भी कीर्तन हो रहे हैं, वहां पर सबके सब भगवान की भजन कर रहे थे। बोले मैंने सुना एक घंटा कहीं अनजान में कथा सुना, इसलिए मेरे को एक घंटा कहाँ मिला, स्वर्ग मिला। अगर यहाँ पर भी कीर्तन कथा हो रही है, और अगर एक घंटा बैठ जाऊंगा तो कितना घंटा स्वर्ग हो जाएगा, दो घंटा हो जाएगा, वो तो जम करके बैठ गया। लेकिन एक घंटा खत्म हो गया, कोई लेने के लिए नहीं आ रहे, तो समझ गया जरूर ये कथा की कुछ असर है, कथा की कुछ असर है कथा की, वो तो वहां से उठा ही नहीं वहां से। इतने में जो लोग ले गए थे यहाँ से, जो जम के जो दरवान थे, बोले भैया हमारे आदमी को वापस दो, कहाँ गया वो व्यक्ति, और ढूंढते ढूंढते देखा वो कथा में बैठा हुआ। और जो व्यक्ति भगवान की कथा में बैठते हैं, वो भगवान की गोद में बैठते हैं, वहां पर जाकर के देखा तो स्वर्ग भोगा ही नहीं, ये तो कथा में बैठा हुआ। बोले भैया उसको आप नहीं ला सकते, क्योंकि वो कथा में सुन कथा सुन रहा है। जम दूर तो देखे बड़ा चालाक निकला, कथा में बैठ गया, दो घंटा तक देखा, चार घंटा तक देखा, वो कथा से उठा ही नहीं, और वो कथा सुनते 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 उसके हृदय में भगवान हृदय में गए, और उसका हृदय निर्मल हो गया, और कथा सुनते सुनते वहीं से ही सीधा भगवान का धाम को चला गया। है तो नरक में नहीं आया। देखो एक व्यक्ति अनजान में भी एक घंटा कथा सुन लिया ना, उसका इतने पुण्य है, और जो जान बुझ करके नियमित पूर्वक ये कथा सुनेगा, आप सोच नहीं सकते इसकी कितने पुण्य हैं। ठीक है ना, इसलिए आज पहला दिन है, आपको जी कितने समय पर कथा होगी, प्रसाद तैयारी है,
भाई सब तैयारी हो गया। देखो ये कथा हम लोग ने रखा है कितने से कितने तक, कहते 5 से लेकर के 8 बजे तक हमने कथा बन पाई, ठीक है ना। कितने से कितने तक, 5 से 8 बजे तक, ठीक है ना। और ज्यादा समय क्या बोल रहे हरे कृष्णा। हाँ देखो अगर आप लोग टाइम पर आएंगे ना 5 से 8 बजे तक, मैंने पहले सुनाया ना ये कथा नहीं ये कल्पक विद्या है। जो व्यक्ति 7 दिन तक एक मन से 4 से 8 तक, हाँ माता जी कहते 4 से 8 तक कोई बात नहीं, 4 से 8 आप 5 बजे कथा की हम शुरुआत करते हैं, आप लोग पहले आ जाना ठीक है। 8 बजे कोशिश करेंगे। देखो माताओं का सबसे ज्यादा जो महत्व है भोजन है, घर में जाकर बच्चों को बच्चों को भोजन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो भोजन की व्यवस्था है ही है, प्रसाद की व्यवस्था है। माता जी कहते घर में बहुत सारी काम है, इसलिए कोई बात नहीं हम कोशिश करेंगे। मैं माता जी कह रहे आप लोग बता दो कितने से कितने बजकर कथा होने पर आप आ सकते हो। 4 से हाँ ये लोग कह रहे हैं 4 बजे से कथा करो। हाँ अगर आप लोग इधर ध्यान देकर सुनो, अगर आप 4 बजे से आ जाओगे ना और हम लोग 8 बजे कथा वहाँ विश्राम लेते हैं, इसलिए ठीक 8 बजे हम कोशिश करेंगे कथा को विश्राम ले देने के लिए, और इसको बाद में आप लोग घर प्रसाद ला कर देना ठीक है। और हाँ क्या कभी हाँ ठीक है, आप लोग कल एकदम 4 बजे से पहले आ जाइएगा और हम 8 बजे कोशिश करेंगे कथा को विश्राम देने के लिए ठीक है। अभी प्रभु जी आज हम यहीं पर कथा को विश्राम कर देते हैं। हाँ देखो और 5 मिनट दे दो, रुक जा और 5 मिनट दे दो। देखो जो भागवत कथा की जो महिमा है वो 2 पुराण में आई है, कितने पुराण में, 2 पुराण में, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। ये जो पद्म पुराण में जो कथा है 2 कथा आई है, एक है ज्ञान वैराग्य की कथा और एक गोकर्ण धुंधुकारी की कथा, ये 2 कथा आई है। ये ज्ञान वैराग्य एकदम बूढ़े हो गए थे, एकदम बूढ़े हो गए थे ज्ञान वैराग्य, लेकिन नारद जी इनकी कान में वेदांत ब्रह्मसूत्र वेद पुराण यहाँ तक भी गीता तक भी सुना दिया, लेकिन इनकी चेतनता नहीं हुई, तभी वो अचेत होकर पड़े हुए थे। लेकिन इनकी चेतनता कब हुई, जब इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किए, दोनों एकदम जवान बन गए, ज्ञान मेरा तो जवान बन करके वहां पर नाच उठे। मतलब क्या है, ये भागवत कथा में इतने शक्ति है, यदि ये भक्ति की 2 बेटा ज्ञान और वैराग्य है। मतलब क्या, बोला अगर हम भक्ति करना चाहते हैं हमें 2 बेटे की जरूरत है, एक ज्ञान और एक वैराग्य है। अगर ये ज्ञान वैराग्य अगर सोए हुए होंगे तो ये भक्ति देवी भी बेहोश होकर पड़ी रहेगी, लेकिन अगर ज्ञान वैराग्य जगे हुए होंगे तुम्हारी भक्ति भी बढ़िया से तुम्हारी भक्ति होगी, भक्ति तुम्हारी बढ़िया होगी। दूसरी कथा क्या आती है, ये धुंधुकारी प्रेत बन गया था, क्या बन गया था धुंधुकारी, ये प्रेत बन गया था धुंधुकारी, लेकिन गोकर्ण जब गया में गए पिंड दिया, पिंड देकर जब घर में आए देखा तभी ये धुंधुकारी प्रेत बनकर बैठा था, कभी हाथी बन करके कभी घोड़ा बन करके कभी बिल्ली बन करके डरा रहा है। इतने में गोकर्ण ने पूछा भैया तुम कौन हो, मुंह से बोली नहीं निकल रहा था, उन्होंने पानी लेकर के मंत्र पुत्र करके जब उनको ऊपर छिड़काव करवाया थोड़ी सी पाप थोड़ी कम हुई तो बोले तुम कौन हो, बोले मैं तेरे भैया तेरे धुंधुकारी।
बोले तुम प्रेत कैसे बने गया? मेरे नाम पर गया में पिंड दे के गया, क्योंकि गया में ये गया सुर की छाती के ऊपर में भगवान की दो चरण है, भगवान का वरदान है। अगर कोई गया में आए पितृपुरुषों के लिए पिंड प्रदान करे तो जरूर उसको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। बोले तेरे नाम पर पिंड तो दे करके आया? बोले भैया मैं इतना पाप किया हूँ। क्या पाप किया? पिताजी को इतने सताया, इतने सताया पिताजी घर छोड़कर चले, माँ को इतने मारा उसने, माँ कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या की, घर में छह छह बेसिया को बुला कर लाया, कोई बोले अलंकार दो, कोई बोले साड़ी दो, कोई बोले क्रीम दो, हैं? खैर उसने चोरी किया, राज दरबार में डाकू डाल कर बुलाया और ये छह बेसिया उन्हें बुरी तरह से मार करके घर में फाड़ कर चली गई और वो बन गया प्रेत। और उसको नाम पर पिंड लेने पर भी सब बोले मेरे नाम पर एक बार क्यों? बोले मेरे नाम पर सौ बार भी पिंड दो मेरी मुक्ति नहीं होगी। जब उन्होंने सूर्य देवता को पूछे मुक्ति कैसे होगी? बोले ये भागवत कथा से मुक्ति मिलेगी, भागवत कथा से मुक्ति मिलेगी। फिर उन्होंने पूरा गांव वालों को बुलाया, बुला करके उन्होंने भागवत कथा रखी। सात दिन में सात गांव फट गई, फट करके जब उन्होंने बड़े सुंदर चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुआ, जब चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुआ इतने में गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले यहाँ पर तो बहुत लोग कथा सुन रहे हैं लेकिन आपने एक रथ क्यों लाए? सभी के लिए एक रथ लाना चाहिए था ना, एक रथ क्यों लाए? बोले कारण है वो देखने के लिए तो यहाँ बैठे हैं लेकिन इनका जो शरीर तो यहाँ पर इनका मन है ना घर में, इनका मन घर में है और मन और कहीं घूम रहा था। और दूसरा नंबर इनको विश्वास नहीं भागवत कथा में, विश्वास नहीं होने का नाते कथा के फल नहीं मिली और दीनहीन होकर के सुने नहीं और एक मन से कथा नहीं सुने, इसलिए इनको उनको क्या नहीं मिली, उधार नहीं हुई। तब श्री गोकर्ण ने कहा देखो केवल सात दिन ज्यादा दिन नहीं, आप सबके सब कथा में टाइम से आओ, केवल सात दिन कथा सुन लो, हम सभी के लिए वैकुंठ में से रथ आएगा, हम सभी भी मुक्त होकर के ठाकुर के पास में चले जाएंगे। फिर जब दूसरे दिन से कथा किया ना, सब लोग कथा सुनने से पहले आए हैं, कथा से पहले आए, एक मन से नियम करके सबके सब कथा सुने। जब कथा विश्राम हो गई वैकुंठ से सभी के लिए एक रथ आया, सभी लोग चतुर्भुज धारण करते हुए रथ में बैठे और सबके सब भगवान की लोक में चले गए, ठाकुर जी के पास में चले गए, हैं? ठाकुर जी को पास में चले गए। देखो हम लोग भी कथा सुन रहे हैं, जब कथा विश्राम होगा ना हम सभी के लिए भी एक एक रथ लेने के लिए आएगा। आप बताओ रथ आ जाएगा तो कौन कौन जाएगा भगवान के पास में? जाओगे कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ भैया, कौन कौन जाएगा? सब चलोगे ना? यहाँ का लोग तो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सब लोग ठाकुर के पास में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रथ आ गया सचमुच से भाग जाओ घर में। बोले कि भैया बेटा की शादी नहीं हुई, बच्चे पढ़ाई नहीं किया, पति को रोटी को नहीं खिलाई, भाग तो नहीं जाओगी? जाओगे, बहुत अच्छी बात है। इसलिए सबके सब भगवान की धाम में चले गए। इसलिए अगर हम लोग सही सही कथा सुनेंगे तो हमारा भी संसार से उद्धार हो जाएगा, फिर संसार में दो बार जन्म हमें लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए कल से देखो नियम है, ध्यान देकर सुना, कथा सुनने का जो नियम है, कथा से पहले जैसे हनुमान जी कहीं भी राम की कथा होना सबसे पहले हनुमान जी आते, सबसे पहले आए हाथ जोड़ करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हनुमान जी कथा सुनते हैं, एक मन से कथा सुनते हैं। जिसे कथा सुनने का नियम कथा से पहले आओ और नियम से कथा सुना, एक मन से कथा सुना और क्या करो, कथा जब विश्राम हो जाएगा फिर ठाकुर जी की आरती और प्रसाद लेकर के जानी चाहिए। इसलिए कल आप लोग बताएं कितने बजे कथा होगी? चार बजे हम भी आ जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे नहीं कथा को बीच में आए और लास्ट में आए, नहीं। जब सिनेमा देखने जाते हैं बताओ कितना बजे जाते हैं सिनेमा देखने के लिए? बीच में ना लास्ट में, पहले जाते हैं ना? पहले जाते हैं, लाइन लगाएंगे, टिकट बनाएंगे, फिर बैठेंगे।
और यहाँ पर तो भगवान की कथा है, जितने समय ठाकुर की कथा सुनोगे उतना शांति सुख और उतना जीवन में मंगलमय होगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हमारे प्रभु जी एक भजन सुनाएंगे, सबके सब खड़े होकर मिलते रहना और आरती फिर प्रसाद लेकर के सबके सब घर में जाना। Yeah.